हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के सातवें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ग्राउंड रिपोर्ट, कौन जीतेगा इस मैच को और इस मैच के टॉस को। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोनों ही टीमों ने 11-11 मुकाबलों में जीत हासिल की है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोनों टीमें बराबर नजर आ रही हैं। बात करें अगर टॉस प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में टॉस विनर रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स। हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉस जीतेगी। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, इससे पहले आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इस मैच की फिक्स रिपोर्ट, तो आप इनके व्हाट्सअप नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बैक टू बैक मैच पास करा रहे हैं, साथ में टॉस और सेशन में भी काफ़ी प्रॉफिट करा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार इनके व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए। यह नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की, तो हमें दिल्ली की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे धुआंधार बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शाह। नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे अंजिक्य रहाणे और नंबर 4 पर कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे मार्कस स्टोनिस, सिमरन हेटमायर और क्रिस बोक्स। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं रविचंद्र अश्विन, टॉम करन, अमित मिश्रा और आवेश खान। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, दिल्ली की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। तो हमें राजस्थान की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जॉस बटलर और उनका साथ देने के लिए क्रिज पर मौजूद होंगे मनन वोहरा। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान संजू सैमसन और नंबर 4 पर डेविड मिलर खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे रियान प्रयाग, राहुल तेवटिया, शिवम दुबे और श्रेयस गोपाल। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन सकारिया। अब अगर बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, जहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली रहती है। यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं, यहाँ का एवरेज स्कोर 180 रन रहता है। यहाँ पर 200 तक का स्कोर आसानी से चेज हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खतरनाक ऑलराउंडर बेन स्टोक खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट से इंजर्ड हो चुके हैं। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, ग्राउंड रिपोर्ट की और टॉस प्रेडिक्शन की। अब वक्त है हमारी मैच प्रेडिक्शन का। तो हमारे एनालिसिस और टीम परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैच से जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।